हेलो फ्रेंड्स, मैं रीनू। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं जो आपको दिखा रही हूँ आज, ये मेरे फोटो क्लॉक या फिर आप इसे मॉस रोज भी कह सकती हैं, उसका फ्लावर है। और ये भट क्लॉक का फ्लावर है। देखिए कितनी छोटी सी जगह पर कितनी अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग कर रहा है। चलिए मैं आपको और दिखा देती हूँ। मैं एक ही प्लांट लाई थी और उसी की कटिंग से मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह पर इन्हें लगाया हुआ है। छोटी छोटी कटिंग काट के भी आप आसानी से लगा सकते हैं इसके। इसे देख लीजिए, मैंने यहाँ पर भी एक बहुत ही छोटी सी कटिंग लगाई थी। और ये देखिए, पूरे में इसमें बर्ड्स आए हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हर कलर के होती हैं। देखिए यहाँ पे वाइट देख लीजिए, जो येलो देख लीजिए, पिंक देख लीजिए, हर कलर के आपको ये मिल जाएंगे। इतने छोटा सा प्लांट आप लेकर आएंगे और इसके बावजूद आपको ये कुछ ही वक्त में 15 से 20 दिन में, गर्मी में इसका सीज़न अब स्टार्ट हो गया है, तो ये आपका जितने भी बड़े पॉट में आप लगाएंगे उसे कवर कर लेगा। आप फ्रेंड्स इसे देखिए, ये वाइट कलर का कितने प्यारा फ्लावर्स है। ये देखिए, ये येलो, ये पिंक एंड वाइट की शेड में कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। इसे देखिए, मैंने इसे यहाँ पर इस बॉटल में लगाया हुआ है, इसकी कटिंग लगाई थी मैंने, इन दोनों को साथ में लगाया था। ये देखिए, ये पिंक एंड वाइट। और यहाँ पर इसे भी देखिए, दोनों एक ही बॉटल में, देखा आपने कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। बर्ड्स पूरी में भरी हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, चाहे यहाँ पर देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, मैंने पूरी में लगाया हुआ है इसे, ये बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है ये। तो छोटा सा फ्लावर इधर देख लीजिए आप इसका, इधर इसके पीछे यहाँ बस। ये देखिए, छोटे छोटे फ्लावर खिल रहे हैं, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे ये और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, और ज़्यादा खिलेगा। थोड़ी सी मिट्टी में थोड़ी सी जगह पर भी ये आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी थोड़ी सी छोटी सी कटिंग लेकर भी आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसे आप देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। उसके लिए आपको मेरा वीडियो नंबर 38 देखना होगा। वैसे तो इस प्लांट को आप तेज़ धूप में आसानी से रख सकते हैं, इसे शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे फर्टिलाइज़र की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैंने आपको वो प्लांट दिखाई दिए हैं, तो आप इन्हें भी देख लीजिए कितने अच्छी तरह से खिल रहे हैं। इसे एक इधर यहाँ पर भी, ये देखिए, इसे भी देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस बास्केट को घर पर ही बनाया हुआ है। ये देखिए, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहा है। छोटी सी जगह पर भी बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। और फ्रेंड्स इसे देखिए, मैंने यहाँ पर भी लगाया, इसमें भी देखिए यहाँ पर फ्लावर खिला हुआ है, बर्ड्स आ गई हैं बहुत अच्छी तरह से, यहाँ पर भी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलेंगी एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।